खबर नसरुल्लागंज से है, जहां इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरोप लग रहे हैं कि नगर में हुए मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन में प्रत्येक जोड़ों को दिए गए रजाई व गद्दे में डाली जाने वाली कपास की रुई के स्थान पर गुणवत्ता विहीन रुई डाली गई। वहीं इस वायरल वीडियो पर कांग्रेस जिला प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने साधा निशाना और क्या कहा, सुनिए। ये देखिए, नसरुल्लागंज में मुख्यमंत्री कन्यादान सम्मेलन हुआ था, उसमें बताया गया था कि गद्दे के अंदर कपास की रुई डाली जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि कपास की रुई नहीं डाली गई है, धागे वाली जो होती है कचरा वो डाला गया है। देखिए, ये देखिए आप, धागे वाली रुई जो होती है ये डाली गई, कपास का नाम लेके धागे वाली रुई डाली गई। देखिए ये कपड़ा, कपड़े वाली रुई डाली जा रही है, ये देखिए। साथ में ये गद्दे का है, इसी प्रकार से तकिए का भी यही हाल है। तकिए में देखिए, ये भी वही रुई रही है, तकिए में भी वही रुई भरी हुई है। इसी प्रकार रजाई में भी इसी प्रकार से माल भरा गया है। नसरुल्लागंज से आनंद अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस लगातार इस बात को स्वीकारती आई है और आरोप लगाती आई है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती आई है। लगातार शिवराज चौहान जी अपनी भांजियों के साथ कन्यादान योजना में भी पूरी तरीके से बेईमानी पर उतर आए हैं। एक किसी साथी ने वीडियो वायरल किया है, जिसमें दिखाया गया है किस तरीके से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दी गई गादी और रजाइयों में रुई की जगह हल्का और गंदा सामान उपयोग में लाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आभूषण की बात हो, चाहे बर्तन की बात हो, चाहे कपड़ों की बात हो, चाहे दहेज में दी जाने वाली LED क्राउन टीवी की बात हो। क्राउन कॉपीराइट टीवी कन्याओं को कन्यादान में दे दी गई। सरकार कॉपीराइट एक्ट के तहत ऐसे नकली सामान बेचने वाले और बनाने वालों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें प्रोत्साहित कर रही है, और मुख्यमंत्री कन्यादान जैसे सरकारी आयोजन में ऐसे कॉपीराइट सामान को बेचकर, नकली सामान को बेचकर नक्कालों को प्रोत्साहित कर रही है। मैं शिवराज सिंह चौहान के ऐसे शर्मनाक कृत्य की निंदा करता हूं, और पूरी कांग्रेस पार्टी ये के आवेद आरोप लगाती है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे इतिहास में कंस मामा के बाद अगर कहीं भांजियों के साथ बेईमानी करने का कार्य किया है तो त्रिपुत्री विधानसभा में किया है, जिसे इतिहास में दर्ज कराया हो जाएगा।